विद सौरो, यहाँ पर पता चल रहा है कि अलास सौरोफुल होते हैं जब दुखी होकर करते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो दैट दैट वॉज अ ग्रीवस लॉस। दिस इट को दैट में चेंज किया है। इट को हम इट भी रख सकते हैं, दैट इस दैट की जगह पे इट भी लिख सकते हैं, दैट इट वॉज अ ग्रीवस लॉस। ओके, इट भी रख सकते हैं इसको, इट वॉज अ ग्रीवस लॉस। नोट, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन्स वर्ड्स विच एक्सप्रेस सर्टन स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ एंगर, जॉय, सरप्राइज, रिसेंटमेंट, हेट्रेड एट्सेट्रा। ऐसी फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हमारी इमोशंस को शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देयर फोर दीज फीलिंग्स आर एडेड टू द फॉलोइंग वर्ब्स। और इन फीलिंग्स को शो करने के लिए कौन सी फीलिंग कैसे शो करेंगे हम, अगर अलास गिवन है एक्सक्लेम्ड विद सौरो, हुर्रा गिवन है एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट कह सकते हो, ओह जैसे कुछ हो गया ना ओह, तो हम सॉरी फील करते हैं ना एक तरह से, ओह। ओह अगर है तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, पछतावा करते हुए, और आह या फिर आह, वेरी गुड आह, ऐसे गिवन है एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, दीज आर द चेंजेस ऑफ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कम टू द नेक्स्ट पेज। अगर आपके पास वर्ड्स हैं पू शा, इस तरह के वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट होता है, वित्रिष्णा, एक तरह से नफरत सी होती है कि क्या है ये, छी छी कहते हैं ना जैसे, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। नाउ सी द एग्जांपल्स, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, एक्सक्लेमेशन मार्क है, मे से शुरू हो रहा है, भगवान से हम विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। ही प्रेड दैट गॉड माइट, मे को माइट में चेंज किया, सिंप्लीफाई किया सेंटेंस को, गॉड मे ब्लेस यू, तो दैट गॉड माइट ब्लेस हिम विद अ सन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट रूल, फर्स्ट चेंज द एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं या ऑपरेटिव, उनको पहले सिंप्लीफाइड सिंपल सेंटेंस बनाओ। मे गॉड ब्लेस यू की जगह हम क्या सोचेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, गॉड सब्जेक्ट है आपका, मे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, God may bless you with a son, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, that God might bless him with a son, okay? And then follow rule number 2 in the case of assertive sentences, और उसके बाद rule number 2 के according जैसे assertive sentences में हम लोग करते हैं वो ही करेंगे। He said, what a fine bird it is, अब what वाले जो हैं, what a fine, what से शुरू है, but ये आपका question word नहीं है, exclamation mark वाला है, What a fine bird it is. तो इसको सिंप्लीफाई करो, खुश हो गए क्या कह रहा है, इट इज़ अ फाइन बर्ड, इट इज़ अ वेरी फाइन बर्ड। वट अ का मतलब होता है वेरी, जब भी वट अ लिखा जाए तो उसका मीनिंग होता है वेरी, इट इज अ वेरी फाइन बर्ड, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी फाइन बर्ड। जब हमें कई बार ऐसा क्लियर नहीं होता ना कि एक्सक्लेम किया लेकिन कौन सी फीलिंग है उसमें, तो सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं और दैट लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यहाँ पे कितना सुंदर कितना प्यारा बर्ड है, तो ये सरप्राइज होता है आपका, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख सकते हैं या सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं, दैट इट वॉज अ वेरी फाइन बर्ड। नोट, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा दिया जाता है, ओमिटेड मीन्स वहां से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एंड ऑल इंटरजेक्शन सच एज अलास, हुर्रा, ये वाले इस तरह के इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स, सडन फीलिंग शो करने वाले वर्ड्स, इनको ड्रॉप्ड मीन्स इनको भी रिमूव कर दिया जाता है। फॉलो द रूल फॉर द चेंज ऑफ टेंसेज, पर्सनल प्रोनाउंस एटसेट्रा एज इन द केस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज, और बाकी रूल्स वही फॉलो होंगे जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेज वालों में यूज किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अलास हाउ एक्स्ट्रावैगेंट आई हैव बीन, कितने दुख की बात है कि मैं कितना फिजूल खर्च था, सेड ही, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट, कन्फेस्ड लिख लो या फिर एक्सक्लेम्ड लिख सकते हो, जैसे आपको पहले बताया है एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन
वेरी एक्स्ट्रावेगेंट. हाउ एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स वेरी एक्स्ट्रावेगेंट. आई हैव बीन वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, इसके अकॉर्डिंग चेंज किया दैट ही हैड बीन वेरी एक्स्ट्रावेगेंट. नेक्स्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ एड्रेसेस एक्सक्लेमेशन सच एज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हुर्रा, अलास शुड बी ओमिटेड. इन फीलिंग्स को, इन चीज़ों को हटा दिया जाता है, इन वर्ड्स को, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस शुड बी रिटेन्ड. लेकिन सेंस वही रहनी चाहिए. यहाँ मैं आपको एक पॉइंट और बताऊँगी कि अगर आपका गुड मॉर्निंग है तो ही इसको हम चेंज करेंगे ही विश्ड. अब किसको विश किया, हिम या जो भी होगा, सब्जेक्ट यहाँ आएगा. ही विश्ड हिम, क्या विश किया, मॉर्निंग. गुड वर्ड हटा देंगे, विश कर दिया वही गुड है. ओके, ही विश्ड हिम मॉर्निंग एंड सेड दैट. ओके, ही विश्ड हिम इवनिंग, ये इस तरह से हम कहेंगे. अगर थैंक यू वाला वर्ड था आपका थैंक यू, तो इसको हम चेंज करेंगे थैंक्ड, आगे प्रोनाउन लगाएंगे किसको थैंक किया. ही थैंक्ड हिम, ही सेड थैंक यू, ही थैंक्ड हिम. फाइन, सो दीज वर द रूल्स. और आगे आपके जनरल रूल्स गिवन है. सी द सेंटेंस, एग्जाम्पल देखिए आप. द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे, मोहन, मोहन आज तुम लेट क्यों हो. हैव यू नो वॉच और क्लॉक इन योर हाउस, घर पे कोई घड़ी या क्लॉक नहीं है, दीवार घड़ी नहीं है. इट इज दस दैट यू वॉन्ट टू मेक अप योर डेफिशिएंसी, ऐसे करोगे तुम अपनी कमियां ऐसे छुपाओगे. ओके, तो यहां पे आपके दो क्वेश्चन मार्क एंडिंग सेंटेंसेस हैं और एक फुल स्टॉप एंडिंग और एक ही स्पीकर है और एक ही लिसनर है और ये पूरी बात उसको कही गई है. तो इसको कैसे चेंज करेंगे. द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाई ही वॉज लेट दैट डे, और क्या पूछा, कॉमा लगा के, इफ ही हैड नो वॉच और क्लॉक इन हिज हाउस. एंड यहाँ पे इफ लगा रखा, ये बाय मिस्टेक है क्योंकि हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं था यहाँ तीसरे सेंटेंस में, ये आपका फुल स्टॉप एंडिंग था तीसरा सेंटेंस डेफिशिएंसी के बाद, तो यहाँ पे हम इफ नहीं लगाएंगे. एंड इट वॉज दस दैट ही वॉन्टेड टू मेक अप हिज डेफिशिएंसी. यहाँ पे इस सेंटेंस को हम एडिड दैट इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे एट्थ क्लास में हम लोग करते थे. द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाई ही वॉज लेट दैट डे एंड एडिड इफ ही हैड नो वॉच और क्लॉक इन हिज हाउस. शी ऑल्सो एडिड दैट या शी ऑल्सो सेड दैट इट वॉज दस दैट ही वॉन्टेड टू मेक अप हिज डेफिशिएंसी. आप चाहे एट्थ क्लास वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग कर लो, ऑल्सो एडिड दैट ये लिख के, या फिर आप सिर्फ कॉमा लगा के इफ के साथ ही एड करते चले जा सकते. फाइन, नाउ सी द इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स. ये आप एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड करेंगे और इनको देखेंगे कि कैसे चेंज किया गया है. फाइन, यू मे ट्राई दिस.